أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بعتم به وذلك هو الفوز العظيم الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صلوات پڑھ لیجئے تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اپنی ذات میں احد ہے اپنی صفات میں صمد ہے اپنی پہچان میں لم یلد ولم یولد ہے اور اپنے اختیار میں ولم یکن لہ کفواً احد ہے اور تمام ہدیۂ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو اس کی احد کے ہونے کے گواہ جو اس کے سمت کے ہونے کی دلیل ہیں جو اس کے لم یلد ولم یولد ہونے کی پہچان ہیں وہی تو ہیں جو کہا کرتے ہیں ولم یکن لہ کفواً احد کے بعد کذلک اللہ ربنا الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام اما بعد شکر خداوند شہدائے کربلا کہ آج کی مجلس عزا کی شرکت نصیب ہوئی برائے ذکر شہدائے کربلا. شب جمعہ شب توبہ بھی ہے شب مغفرت بھی. شب جمعہ شب زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام بھی. اور شب جمعہ تمام اہل زمان کے اعمال امام زمان کی خدمت میں پیش کیے جانے کی اور رات بھی. اپنے امام سے توسل کرتے ہوئے آئیے ہم اور آپ غلامان امام زمان بننے کے لیے
शहदाए करबला की सीरत पर रासा रोशनी डाल लें। करबला वालों के साथ ये कहना तो बड़ा आसान है, फया लैतनी कुंतु मअकुम, लेकिन करबला वालों के जैसे आमाल इख्तियार करना आसान नहीं है, लेकिन बहरहाल नामुमकिन भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जुमला मेरे और आपके लिए बेकार बेसूद हो। ये बात आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि खुदा अपने बंदों के लिए ऐसी तकलीफ को वाजिब करता ही नहीं जिसकी ताकत बंदों में न हो, और जब खुदा नहीं करता तो हुज्जत खुदा कैसे बयान कर सकते थे। अगर कोई ये समझता है कि ये इमाम अलैहिस्सलाम अपने लिए पढ़ रहे थे तो शायद वो कहीं गलत फहमी का शिकार न हो गया हो। दलील चाहिए, बे अभी अंतुम व उम्मी, इस जुमले में जब मासूम ने जुमला बयान किया तो अपने वालिद और वालदा के कुर्बान किए जाने की बात की है, तो मासूम के वालिद मासूम हैं। यकीनन मेरे और आपकी तरबियत के लिए, मेरे और आपके तवाब के बढ़ाने के लिए मासूम ने ज्यारत वारिसा के आखिर में ज्यारत शहदाए करबला तालीम फरमाई है कि ताकि हम और आप मिलकर कहें वो इमाम किस तरह कहते हैं, इमाम जिस तरह कहते हैं उसे ज्यारत नाहिया कहते हैं, और आजादार जिस तरह कहें उसे ज्यारत वारिसा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर नामुमकिनात में से हो तो इमाम ना फरमाएं कि फया लैतनी कुंतु मअकुम फअफूज़ मअकुम, हे अंसारान हुसैन काश में आपके साथ होता तो अजीम कामयाबी को हासिल कर लेता। तो अगर कामयाबी हासिल करना मुमकिन ही नहीं है तो जुमला क्यों पढ़ा जाए, और अगर मुमकिन है तो फिर अशरफ़े मुमकिनात का, अमीर मुमकिनात का वास्ता देते हुए आइए तलाश करते कैसे मुमकिन है। कभी फर्श अज़ा पर आने की शक्ल में मुमकिन है, कभी इताते खुदा के लम्हात के जरिए मुमकिन है, और कभी खाके करबला की अजमत के एतराफ के साथ मुमकिन है। है जरूर मुमकिन, और उसी मुमकिनात के तलाश के लिए आपकी खिदमत मुकद्दस में कल बात वहां तक पहुंची थी कि जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कूफे से ताल्लुक बयान किया। इसमें कोई शक नहीं कि मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जुमलों के एतबार से और जो इससे पहले इशारा किया जा चुका कि हब्बा अरनीन से इमाम के अल्फाज क्या थे, वो जाना चाहते थे बैतुल मुकद्दस की तरफ, इमाम ने रोक दिया और रोक के फरमाया कि ये मस्जिद कूफा अफजल है, ये मस्जिद कूफा मस्जिद बैतुल मुकद्दस से अफजल है। और उस रिवायत के तसलसल में इमाम के अल्फाज कि इस मस्जिद कूफा में 1000 अंबिया ने नमाज पढ़ी है और 1000 औसिया ने नमाज पढ़ी है, तो 1000 अंबिया और 1000 औसिया ने नमाज पढ़ी, इसकी शान को मौला ने बयान किया तो अल्फाज कुछ और आगे बढ़ाए। फरमाया इसका दरमियान रौजतु मिन रियाज़िल जन्ना है और फी है सलासतो आयुन, और इसमें 3 चश्मे हैं। अब ऐसा ना हो कि जाके तलाश कीजिए और फिर ना मिले तो हमसे पूछिए, रवायत के अल्फाज हैं। चलिए बात को आसान कर लेता हूं। एक जमाने में मस्जिद कूफा में हजरा अस्वद को लाकर रखा गया था,
और तकरीबन 32 या 33 साल तक हजरे अस्वद मस्जिद कूफा में रहा था। और इमाम ने अपनी हयात ज़ाहिरे मुकद्दस में ये खबर सुना दी थी। अब अगर उस दौर की रिवायत कोई आज पढ़े और आज जाके तलाश करे तो मस्जिद कूफा में उसे हजरे अस्वद नहीं मिलने वाला। ये कब का वाकया, ये कैसे हुआ था, बस एक जुमला काफी है। जब वो अफराद मक्के पहुंचे जिनका ताल्लुक करामिता से बयान किया गया और इन्होंने मक्के पर हमला करके वहां के अफराद से मुकाबला करके हजरे अस्वद को कुदाल मार मार के काबे की दीवार से निकाल दिया और निकाल के लेके चले। इतना वजन था हजरे अस्वद में कि 40 ऊंट तो रास्ते में दम तोड़ गए। लेकर कहां पहुंचे, मस्जिद हराम से मस्जिद कूफा की तरफ। और कुदाल मारने की वजह से हजरे अस्वद के 9 टुकड़े हो गए। और उसके बाद की तारीख पे पूरी तफसील के साथ कि कैसे वापस पहुंचा और किसने अपने हाथों से लगाया। जो अपने हाथों से लगाए उन हाथों पे हमारी जाने कुर्बान है। हजरे अस्वद हरकस और नाकस के हाथ से लगता ही नहीं, ये जब भी लगा दस्ते खुदा से लगा है। अगर इसको छूने में दस्ते खुदा का मजा है तो इसके लगाने वाला भी साहिब दस्ते खुदा है, यानी कि इमाम जमाना अलैहिस्सलाम का दौर। तो मुझे इतना तफसील में जाना इसलिए पड़ गया कि मैं 3 चश्मे बयान कर रहा। मस्जिद कूफा में 3 बुत भी थे और ये तीनों बुत नाम पर थे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से 5 में 3 के नाम पर थे। अब कहां मिलेंगे आपको, नहीं मिलेंगे। अब अगर कोई ताकि तलाश करे तो कहां मिलेंगे उसे। ऐसे इमाम के अल्फाज के एतबार फरमाते 3 चश्मे मस्जिद कूफा में, ये 3 चश्मे फूटते हैं मस्जिद कूफा से। एक चश्मा पानी का, एक चश्मा दहन रोगन का और एक चश्मा लबन दूध का। और इन तीनों का कमाल यह है, कितने हसीन 3 हैं, ये कमाल यह है कि ये गुनाहों को धो देते हैं और मोमिन को पाक कर देते हैं। इमाम के अल्फाज का तर्जुमा मैंने किया। मस्जिद कूफा के हवाले से मौलाए कायनात के अल्फाज का तर्जुमा, यऊक और यगूस और नसर, ये 3 बुत थे कि जिन्हें मस्जिद कूफा से निकाला गया। अजीब इत्तफाक, 3 चश्मे हैं और 3 बुत हैं। बुत निकाले गए, चश्मे समझाए गए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मस्जिद कूफा के हवाले से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्करा कल आ चुका। और मस्जिद कूफा के साथ साथ मस्जिद सहला या मस्जिद सुहैल, इन 2 मस्जिदों में और तीसरा मकाम और है। ये तीसरा मकाम गैर मुअय्यन है लेकिन रिवायात में साबित है। ये 3 मकामात कूफे के, इन 3 मकामात पे हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम की आमद है। मस्जिद सहला में जाइए तो आपको नंबर 4 पे मिलेगा वो मकाम, छठे इमाम के नाम का पहला मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जनाबे इदरीस अलैहिस्सलाम 3, और चौथे मकाम पर जनाबे खिज्र अलैहिस्सलाम। और अगर मस्जिद कूफा में आइए तो नंबर 2 पर है। नंबर 1 मकाम इब्राहिम, नंबर 2 मकाम खिज्र, ये 2 मकाम।
तीसरा मकाम कहां पर है? बैतुश शरफ के सामने, जबकि मौलाए कायनात की शहादत के मौके पर। हमारे आमतौर पर मौलाए कायनात की शहादत के दिन की ज्यारत नहीं पढ़ी जाती, बल्कि वो आसानी हम इख्तियार करते हुए ज्यारत वो पढ़ लेते हैं, इसे ज्यारत अमीनुल्लाह कहा जाता है। अब आसानी इख्तियार करते हुए कह लीजिए, या जरा अल्फाज की सनद ज्यादा मोतबर समझते हुए कह लीजिए ज्यारत अमीनुल्लाह। लेकिन मौलाए कायनात की अपनी मखसूस ज्यारत है जो आपके रोजे शहादत के लिए है, और ये ज्यारत हजरत खिज्र ने पढ़ी है, मौलाए कायनात के दरवाजे के सामने खड़े होकर। अलबत्ता जगह मुशख्खस मुय्यन नहीं है, क्योंकि अभी जो बैतुश्शरफ सामने है कूफे के अंदर, ये बैतुश्शरफ इतना बड़ा नहीं है कि जितना बड़ा मौला का मकान समझ में आता है। ये बात याद रखिएगा कि मौलाए कायनात का जो मकान आज बना हुआ है कूफे के अंदर बैतुश्शरफ के नाम से, ये मकान छोटा है। मौलाए कायनात अपनी फैमिली के तमाम तर मेंबरान के साथ रहते थे, यानी कि मौला के बेटे और बेटों की फैमिली, मौला की बेटियां और उनकी फैमिली। इसीलिए शायद आप ये रिवायत सुनते हैं कि एक रात में अफ्तार करते थे एक बेटी के यहां और एक रात अफ्तार करते थे दूसरी बेटी के, यानी एक ही बाउंड्री के अंदर ये अलग अलग पोर्शन हैं आपकी फैमिली के। तो चलिए, मौला ने समझाया कि साथ रहने में बरकत है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब मौलाए कायनात की औलादों पे गौर कीजिए और उसके बाद वो मकान की मकानियत देखिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा। बिल्कुल समझिए जैसे करबला में सरकारे सैयदुश्शहदा के खयाम। असल खयाम की जगह तो पहले थी फुरात का किनारा, जो आज है मौला अब्बास का रोजा, वो असल खयामगाह थी। जब वहां फुरात के किनारे से खैमे हटाए गए तो खैमे कितने होंगे? जितने आज खयाम हुसैनी में इलाका दिखाई देता, इमाम अलैहिस्सलाम के गुलाम, आपकी कनीजें, आपकी घर की खवातीन, मुखद्दरात इस्मत, उन तमाम के खैमे तस्वर कीजिए। ये इलाका बहुत छोटा है, 70 ऊंट बार किए गए थे जिन पर खैमे लादे गए थे। यानी ऐसा नहीं है कि दो चार खैमों में ये रिहाइश पजीर रहे हों। लेकिन अगर आज आप करबला जाइए तो आपको कैंप्स ऑफ इमाम अलैहिस्सलाम का जो इलाका बना हुआ है बहुत बड़ा नहीं है। एक मिसाल समझाने के लिए मैंने दी कि जैसे ये कैंप्स, ऐसे मौला का घर हाउस नजफ के कूफे के अंदर छोटा सा मकान है। अलबत्ता ये कहां पर खड़े वो नहीं मालूम, कौन? खिज़र अलैहिस्सलाम। लेकिन हुए थे मौलाए कायनात के दरवाजे के सामने। अब आइए जनाब खिज़र के तीन मकामात मैंने पढ़े। ये खिज़र हैं कौन? आपका नाम खिज़र नहीं है, आपका लकब खिज्र है। आपका असल नाम है तालिया। अब चूंकि ये लफ्ज बड़ा अजीब सा है तो शायद उर्दू के लिहाज से आपको इसमें इतना लुत्फ ना आया हो। तालिया, तो ताली हमारे यहां किसी और माना में है। ये तालिया अरबी का लफ्ज भी नहीं है, क्योंकि सिवाय चार अंबिया के बाकी चार कम 1,24,000 अंबिया अरबी बोलते ही नहीं थे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जब बोलते नहीं थे अरबी
तो इत्तेफाक से गालिबन दो दिन पहले का एक जनाब इदरीस का हवाला तो सवाल मेरे पास रात में आया था, और जब रात में सवाल आया तो मैंने चाहा कि जवाब दे दूं प्राइवेट में, रिक्वेस्ट की गई कि आप जवाब सबके सामने दें। सवाल क्या था? सवाल यह था कि इदरीस अलैहिस्सलाम 72 जुबानें जानते थे, बोलते किससे थे? आप मुझे बताएं ईमानदारी से, आप जितने बैठे हुए हैं आप में से अक्सर ऐसे होंगे जिनको एक से ज्यादा जुबानें आती होंगी, तो आप हर जुबान तो या नहीं बोलते होंगे, जिस जुबान का माहौल सुनने वाले मिलेंगे वो जुबान वहां बोलेंगे। शायद सवाल यह है कि आबादी तो बहुत कम है, हजरत आदम की औलादों में जनाब इदरीस का दौर बहुत करीब है, तो इतनी कम आबादी में एक ही खानदान की तमाम बच्चे बच्चियां हैं, तो ये लैंग्वेज अलग अलग कैसे हो सकती है, 72 जुबानें। तो याद रखिए, हर नबी खुदा की हुज्जत है और खाली इंसानों पे नहीं है, खुदा ने हर एक अपनी खल्क को बोलने का तरीका सिखाया है, उसे जुबान कहिए, लहजा कहिए, इशारा कहिए, किनाया कहिए। और अगर ये बात समझ में ना आए तो चलिए आपको मस्जिद कूफा से समझा दूं। मस्जिद कूफा में दरवाजा है, इसका नाम हाकिम शाम के बदख्वाहों ने ऐसा मशहूर किया कि तवील अरसे तक लोग उसे बाबुल फील कहते रहे, हालांकि फील होता नहीं था कि इतना बड़ा फील होगा। बाबुल फील कहते रहे हाकिम शाम के जमाने से, हालांकि इस दरवाजे का असल नाम यह नहीं है। अच्छा, मुस्तहब है कि 6 दरवाजे मस्जिद कूफा के आज, कि उसमें से उसी दरवाजे से इंसान दाखिल हो जिसका नाम बाबुल फील पड़ गया था। अल्लाहु अकबर, ऐसा तरीका, बहुत गौर कीजिएगा, जैसे हमारे अल्फाज अलकूफी ला यूफी हो गए, ऐसे हमारी जुबानों पर दरवाजे का नाम क्या हो गया? दरवाजे फील, हाथियों वाला दरवाजा। असल नाम क्या है इसका? असल नाम है बाबे सोबान से ऐन बे अलिफ नून, सोबान। सोबान का मतलब बड़ा अजदहा, यानी सांपों का बड़ा बादशाह। हुआ क्या था? इस सबसे बड़ा दरवाजा बाबुल कबीर है, और इस दरवाजे से कूफे के रहने वाले मस्जिद कूफा में आते थे। जमाना जमाना हुकूमत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और मौलाए कायनात खुतबा दे रहे हैं। मस्जिद कूफा वो मस्जिद है कि जहां से इमाम ने ऐलान किया था कि सलूनी सलूनी कबला अंतफकदूनी। बास कहते हैं ये ऐलान एक से ज्यादा मर्तबा किया, तो हो सकता है कभी मक्के से किया हो, कभी मदीने से किया हो, मगर आपने अपने कैपिटल से लाजिमन किया क्योंकि आपका आखिरी दौर वहीं गुजरा है। कूफे के अंदर आप खुतबा दे रहे थे, और दौरान खुतबा एक बहुत बड़ा सांप, यानी कि सांपों का बादशाह कह लीजिए, इतना बड़ा कि वो छोटे दरवाजे से तो आ नहीं सकता था, तो बड़े दरवाजे से आया। जब इतना बड़ा सांप आएगा तो लोगों में जरा सा परेशानी तो होगी, किबला छुपकली आ जाए अगर तो लोग पहलू बदलेंगे, कहीं हम पर ना आ जाए सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मजमा है ना मौला के सामने, इमाम ने इशाक फरमाया मुस्कुराते हुए कि परेशान होने की जरूरत, इस रास्ता देते जाओ, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा।
मैं समझता हूं जो अली का सामे हो जाए उसे अजदहा कुछ नहीं कहता, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, इसे रास्ता दे दो। सफों के नमाजी जरा सा रास्ता बनाते गए, हटते गए और वो अंदर आता गया, और अंदर आकर मिंबर के सीढ़ियों पे चढ़ा और अपना पूरा मुंह लेकर अली अलैहिस्सलाम के मुंह के करीब कर दिया और अपनी लैंग्वेज में जैसे सांप बोलते हैं आवाज निकालते हैं, जो सांप की आवाज हो, अब मुझे आवाज निकालना नहीं आती, जो सांप की आवाज हो उस आवाज में उसने इमाम से सवाल किया और कमाल है इमाम ने उसको उसकी लैंग्वेज में जवाब दिया। अल्लाह हू अकबर, इमाम ने उससे अरबी में जवाब नहीं दिया, उससे अरबी कहां आती है, इमाम ने उसे उसकी जुबान में जवाब दिया। उसने फिर सवाल किया, फिर जवाब दिया, यहां तक के मुतमईन होकर वापस उतरा और उतर के चला गया वापस उसी दरवाजे से बाहर। लोगों ने इमाम से सवाल किया या इमाम ने खुद मरहमत फरमाया कि ये हमारा नुमाइंदा है जो हमारी तरफ से गवर्नर है जिनों की कौम के लिए। इमाम ने उसका नाम भी बयान किया है, बाज ने लिखा उस्मान नाम है, बाज ने लिखा कोई और नाम है, बहरहाल नाम में इख्तलाफ है, नाम भी बयान किया कि ये इंसान नहीं था, ये सांप भी नहीं था, ये कौम जिन से हमारा नुमाइंदा था, इनके कबीले में इख्तलाफ हो गया था, मसला पूछने आया था। अगर अली वालों को समझ में ना आए हजरत इदरीस की 72 लुगतें तो किससे समझाऊं, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात वाजी हो गई, ये सवाल था इसलिए मैंने आप तक पहुंचा दिया। तो जनाब खजर का नाम है तालिया, तालिया बिन मालिका, मालिका अलिफ के साथ ना कि गोल हे के साथ, और आपका लकब खिज्र है। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में इनका 5वां नंबर है सिलसिला औलाद में से। जनाबे खिज्र कब गुजरे और क्या इनके हालात थे, सिर्फ इसलिए बयान कर रहा हूं कि कूफे से इनका ताल्लुक कायम कर सकूं। तारीख अंबिया मेरा मौजू नहीं है, कूफा मौजू है, कूफे की अहमियत मौजू है। ये नबी, अब नबी हैं या नबी नहीं हैं, वली हैं, इसमें क्या फर्क है उसको समझने के लिए पूरे कुरान में खिज्र का नाम नहीं आया, खिज्र का नाम नहीं आया मगर सिफात आए हैं। सूरह कहफ में आइए, असहाबे कहफ को उठाने नहीं, आयत पढ़ने के लिए, ऐसा ना हो कि उठाने पहुंच जाइए, अभी नहीं उठेंगे वो, अभी इमाम आए नहीं, तो गुलाम के आने पे नहीं उठेंगे वो, इमाम के आने पे उठेंगे। तो सूरह कहफ की आयत नंबर है 65 यानी 65, आयत नंबर 65 इससे आगाज हो रहा है, आयत पढ़ता हूं बाद में, पहले जुमला सुन लीजिए। और जुमला ये कि जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौन बर्बाद हो गया, फिरौन की कौम तबाह हो गई और बड़ा दुश्मन फिन्नार हो गया, तो आपने अपनी कौम को जमा करके एक बड़ा अजीमुशान खुतबा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौन है जो जाते हुए दरबारे फिरौन में खुदा से कहते थे रब्बी शरहली तदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक्दतम मिल लिसानी यफकहू कौली।
ऐ खुदा मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि मेरी बात समझ लें। खुदा ने ऐसी गिरा खोली। क्या खतीब थे मूसा अलैहिस्सलाम। काश के उलमा ने उस खुतबे को महफूज किया होता, हम तक पहुंचाया होता। आपका अजीम शान खुतबा बड़ी कामयाबी थी। फिरौन खत्म हो गया, फिरौन का कौम और कबीला खत्म हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम बाकी हैं, खुतबा दे रहे। जब आपने खुतबे की फसाहत तो बलागत का हक अदा किया तो बाद में लोगों ने आपकी तारीफ की। बड़ा डर लगता है जब लोग बाद में तारीफ करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम तारीफ की, एक ने कहा कि क़िबला क्या कहने आपके। अभी अल्फाज मेरे मफहूम रिवायत का है, क्या कहने आपके, ऐसी शोला बयानी थी, लगता है कि आपसे ज्यादा कोई साहिब इल्म तो होगा ही नहीं। कहने लगे मैं अपने से ज्यादा साहिब इल्म किसी को नहीं जानता। ये तारीख है। फिर जहन में ख्याल भी आया होगा, लिखा है उलमा ने कि भाई, और होना भी चाहिए, जो खुदा की हुज्जत हो, साहिब शरीयत हो, रसूल हो, जिसके कहने पे आसमान से पके पकाए खाने आ जाए। मैं कहता हूं मूसा अलैहिस्सलाम आपने पके पकाए खाने वहां से मंगाए या फर्श अज़ाए हुसैन बिछाए खाने खुद ब खुद आए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतना अजीम पैगंबर, साहिब किताब नबी, तो आपसे ज्यादा कोई साहिब इल्म कहां हो सकता था, ये कैसे हो सकता है। चलिए एक बात तो वाज़े है कि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में मूसा से बड़ा कोई साहिब इल्म नहीं था। हैरत है उम्मती ने ये नहीं कहा कि जिब्राइल आपको पढ़ाते थे। मैं कहता हूं मूसा के चाहने वाले इतने समझदार थे कि मूसा को उस्ताद मानते थे, शागिर्द नहीं। क्या हो गया फखरे मूसा का कलमा पढ़ने वालों को कि जिब्राइल को उस्ताद माने हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। लोग तो तारीफ कर देते फिर कयामत होती। ऊपर से कॉल आ गई। अभी ये ऊपर वाला जुमला जो है कहीं और ना चला जाए, कहीं कि इसका ताल्लुक ऐसा ना हो कि अनदेखी मखलूक से हो जाए। ऊपर से कॉल आ गया, यानी क्या, जिब्राइल अमीन आ गया मूसा अलैहिस्सलाम के पास, और आने के बाद खुदा का पैगाम दिया। खुदा सलाम कहता है मूसा, और खुदा बताना चाहता है कि आपने ये क्यों ना कहा कि खुदा ज्यादा बेहतर जानता है। एक जुमला हम इस्तेमाल करते हैं और ये शायद आपने उलमा के अंदाज तहरीर में मुशाहिदा किया हो, जब कभी कोई खत लिखते हैं, कोई पैगाम लिख के देते हैं तो उसके आखिर में लिखते हैं वल्लाहु आलम बिस्सवाब, और अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है सही बात क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम से फरिश्ते ने आकर कहा खुदा आपसे कहता है, आप नहीं जानते थे किसी और साहिब इल्म को, तो खुदा तो जानता है कि उसने रुए जमीन पर आपसे ज्यादा इल्म किसे अता किया। और एक नहीं है, मूसा कई ऐसे हैं कि जो आपसे ज्यादा साहिब इल्म है रुए जमीन पर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में रिक्वेस्ट डाल दी, परवरदिगार फिर मुझे किसी का पता बता दे, मैं उससे मिलकर उसकी ज्यारत करूं। अरे अगर आज किसी को कहिए कि आपसे ज्यादा फला साहब साहिब इल्म है, कहते हैं जी होंगे अपने घर के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले आयतुल। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मुझे उनसे मिलना, इजाजत करनी। क्या, अच्छा मूसा
मिलना चाहते हो, इल्म हासिल करना चाहते हो, तो मूसा जाओ फिर जहां दो समंदर मिलते मजमाउल बहरेन, वहां चट्टान के पास पहचान ये होगी कि तुम अपने साथ ले जाना एक मछली को तल कर पकाकर, और उस चट्टान के पास जब पहुंचोगे तो मछली जिंदा होकर पानी में गिर जाएगी, और मछली जहां जहां जाएगी उसके पीछे पीछे जाना तो हमारा बंदा तुम्हें मिल जाएगा। क्या एड्रेस बताया है परवरदिगार, कोई पिन लोकेशन भेज देता मूसा अलैहिस्सलाम के पास। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद। दरियाए फारिस और दरियाए रूम, इसमें इख्तलाफ तीन कौल अलग अलग। आप चले और साथ में अपने नाइब को लिया यूशा बिन नून को, दोनों पे सलाम अल्लाह कहो, दोनों साथ साथ चले, और जब पहुंचे खास मकाम पर और साथ में मछली ली। अब कुरान सूरह काहफ में कहता है फवजदा अब्दन मिन इबादिना, वजदा में अलिफ लगा हुआ है, बस इन दोनों ने, कौन दोनों, मूसा और यूसा बिन नून, इन दोनों ने पाया बंदे को हमारे बंदों में से। लेकिन कैसे पाया, कहते हैं जब पहुंचे इतनी मेहनत से वहां पर तो चट्टान पे इतना अच्छा मौसम था सुहाना कि मूसा अलैहिस्सलाम सो गए, और खाना रखा था मछली के समेत, और जनाब यूशा बिन नून ने मौका अच्छा समझा वजू करने उस किनारे दरिया के, आप मसरूफ हुए तो वजू की छींट जो उड़ी वो मछली पर आ गई, और मछली गई पानी के अंदर, और अब ये यूशा बिन नून बताना भूल गए, उठे खाना खाया और चल दिया आगे। जब पूछा कुछ देर बाद भूख, कहते हैं बाद में खाना खाया भूख लगी, जब पूछा मछली कहाँ है, कहा वो तो गई पानी के अंदर, बताया क्यों नहीं, कह रहे मैं भूल गया या शैतान ने मुझ पर निस्यान तारी कर दिया, ये तारीख है। क्या उसके पीछे जाना था, ऐसा लगता है जैसे रास्ता खुदा ने सिर्फ मूसा को बताया था, यूशा को मालूम नहीं था। वापिस आए, कहाँ हुआ था वाकया, वहां पर हुआ था, पीछे गए, फिर मछली के रूट को तलाश करते हुए आगे बढ़े, खुदा ने करम कर दिया। क्या एक साहब हैं जो अपने ही अबा को सिरहाने रखे हुए लेटे हुए जाके सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, वालेकुम सलाम या मूसा नबी अल्लाह फी इसराइल। मूसा अलैहि सलाम जरा सा ठटक गए, आपने मुझे कैसे पहचाना, पर मैं जिस खुदा ने आपको हमारा पता बताया है उस खुदा ने आपका उनवान हमें बता दिया कि आप आने वाले, आइए बैठिए, इस्तकबाल किया, बैठ गए, ये हैं खजर जो लेटे हुए थे, उठ के बैठ गए। कैसे आना हुआ, फवजदा अब्दन मिन इबादिना, कौन है ये, आतैना हु रहमतन मिन इंदिना, हमने इस बंदे पर अपनी रहमत को नाजिल किया, और अल्लमना हु मिल्लदुन्ना इल्मा, और हमने इसे अपने पास से इल्मे लदुन्नी अता फरमाया था। मूसा अलैहिस्सलाम का दायरे इल्म और है, इनका दायरे इल्म और है। हजरत खिज्र यानी जनाबे तालिया अलैहिस्सलाम किस लिए आए हैं, कहा जी आपसे कुछ सीखने आया हूं, जी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे,
ऐसा ही है क़िबला, मुझे अगर बिठा दीजिए आप पायलट के साथ तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी, इसलिए कि मुझे नहीं मालूम कि ये पायलट अब क्या करने वाला है, ये जहाज में मसाइल सॉल्व कैसे होते हैं, ये आगे चलता कैसे है, ये बादलों से बच के निकलता कैसे है, मुझे क्या मालूम। हर एक का अपना दायरा अमल है, दायरा इल्म के साथ, कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते कुछ तो बता दीजिए। अच्छा फिर आप हमारे साथ चलेंगे तो अजीब बात है, मदरसा ऐसा हो जो चलता फिरता मदरसा हो, बगैर किताब के बगैर कॉपी के हो, इतना बड़ा बड़ा बेग बच्चों को दिया है कि उनके अपने वजन से ज्यादा है, इल्म कम है वजन ज्यादा है, ये बगैर किताब और कॉपी का मदरसा है, वर्चुअल कह लीजिए। कल बात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, साथ लेके चले। और मुख्तसर करता हूं, मुझे कूफे तक पहुंचना है, टाइम बड़ा कम है कूफे का। पहला सिर्फ समझाना ये कि जनाब खद जैसा आलिम कूफे में 3 मरतबा आया है। जनाब खद बैठे कश्ती में, और कश्ती में बैठे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, जनाब यूसा बिन नून के साथ। जब कश्ती आगे बढ़ी तो आपने सुराख कर दिया, ये सुना तो आपने पहले भी है, अजीब बात क्या, सुराख पर एतराज तो किया मूसा ने, और जब उस्ताद ने जरा सा सख्ती की कि आपसे हमारा मुआहिदा हुआ था आप कोई सवाल नहीं करेंगे मुझसे, तो आपने माजरत की। फिर जब गौर किया तो अजीब बात थी, क्या बात थी, क्या कश्ती में सुराख तो था मगर पानी अंदर नहीं आ रहा था। अल्लाह हू अकबर, कश्ती में समझें विलायत को, नबूवत का दायरे कार और है, विलायत का दायरे कार और है। हजरत खजर की जो शख्सियत है वो वली की हैसियत में है। कश्ती में सुराख कर दिया, पानी अंदर नहीं आ रहा, आगे बढ़े, लड़के को कत्ल किया, और बड़ा हसीन लड़का था, बड़ा शरीफ दिखाई देता था, तो किसी शरीफ को शरीफ मत समझ लीजिएगा, इसलिए कि नबी शरीफों को चेहरों से नहीं नस्लों से पहचानते। उसे पसे दीवार ले जाके जान से मार दिया। तीसरा काम किया आप, और तीसरा काम था ये बस्ती इंताकिया है या नासिरा है, लगता है ये इराक का इलाका को था ये, जहां ये वाकयात पेश आए, खास तीसरा वाकया। वो जो दीवार थी वो 13 गज की थी, जिस दीवार की तामीर की दोनों मिलकर, और वो भी भूखे थे, फिर तो गुस्सा आना चाहिए था ना, 13 गज की दीवार बनाई खाली पेट, जैसे आप सुन रहे हैं मजलिस खाली पेट, 13 गज, आपको तो मिल जाएगा ना खाना बाद में, उनको नहीं मिला। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, उनको नहीं मिला। आखिर में बोल पड़े मूसा अलैहिस्सलाम, अगर दीवार बनाना ही थी तो मजदूरी मांग लिए होते, कम से कम रोटी तो खा लेते। तो तकाज़ा नबूवत और है, और अंदाज़े विलायत और है। बस एक पैगाम ये आ गया कि इंसान कभी इल्म के मसले पर अपने आप को अक्ले कुल ना समझे। कहते हैं ये जब तीनों बैठे थे चट्टान के पास तो देखा एक परिंदा
आया दरिया के किनारे और अपनी चोंच में कतरा पानी का लिया, जानिब मक्का उछाल दिया। दूसरा कतरा लिया, मशरिक और मगरिब पर उछाल दिया। तीसरा कतरा लिया, अपने परों पे डाल दिया। ये दोनों परेशान हैं कि क्या ऐसी बात है। तो कहते हैं किसी ने खबर दी या ये रिवायत मासूम ने बयान फरमाई कि जो पहला कतरा जानिब मक्का उछाला था वो खत्मी मर्तबत की आमद की खबर थी। जो कतरे दाएं और बाएं डाले थे वो विलायत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खबर थी। या अली, जो कतरा अपने ऊपर डाला था वो उनके इल्म की खबर थी। ये तुम्हारा इल्म इस दरिया के मुकाबले पे एक कतरा आने वाले खत्मी ये मर्तबत और उनके वसी और वली। अल्लाह हो, जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम अभी भी जिंदा है। इशात फरमाते हैं अल्लाह के हबीब कि इन्हें खिज़र इसलिए कहते हैं कि जहां भी जाके बैठ जाते हैं वहां की जमीन इनके कदमों की बरकत से सरसब्ज़ शादाब हो जाती है। अगर खिज़र में ये कमाल हो तो फखरे खिज़र में कितना कमाल होगा। अल्लाहु अकबर। गौर कीजिए, हजरत कुमैल इब्ने ज़ियाद अन्नखई अल-यमानी मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में असल में आज जुमेरात भी है और अभी हमने मिलकर दुआए कुमैल भी तिलावत की है, तो दुआए कुमैल का हवाला जनाब खिज़र के साथ है। जनाब खिज़र के कलिमात चार कलिमात हैं और ये दुआए खिज़र के नाम से मशहूर है। पहला कलिमा बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह वला यसूकुल खैरा इल्लल्लाह। तर्जुमा क्या है? अल्लाह के नाम से, अल्लाह की मशीयत से कोई खैर आ नहीं सकती चलकर मगर वही जिसे अल्लाह चाहे। ये पहला कलिमा है, बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह वला युसरिफ सूआ इल्लल्लाह। अल्लाह के नाम से, अल्लाह की मशीयत से कोई बुराई और परेशानी दूर नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह की जात के। दूसरा कलिमा बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह मा काना मिन नेमतिन फमिन अल्लाह। अल्लाह के नाम से, अल्लाह की मशीयत से कोई नेमत नहीं है मगर जो नेमत है वो अल्लाह की तरफ से है। बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। ये चार कलिमात अल्लाह के नाम से, अल्लाह की मशीयत से ना कोई ताकत है ना कोई हिम्मत है सिवाय उस ताकत और हिम्मत के जो खुदाए अली अजीम से मिलती है। ये चार कलिमात तीन दफा पढ़ो सुबह में और तीन दफा पढ़ो शाम में, ये दो वक्त की दवा है और दवा ऐसी है कि जलने से बचाए, डूबने से बचाए, हलाकत से बचाए और रिस्क में इजाफा करने का बाइस बने। कलिमाते खिज़र। तो ये तो छोटी दुआ थी, बड़ी दुआ दुआए कुमैल। दुआएं बहुत सारी हैं इनकी और दुआए कुमैल, कुमैल इब्ने ज़ियाद जब पहुंचे मौला के पास तो इमाम ने दुआ तालीम फरमाई जनाब खिज़र वाली दुआ। तो खिज़र का आना जाना एक मकाम मस्जिद उमवी में भी है दमिश्क में, जो दीवार बड़े हॉल के अंदर है उसमें चार मेहराबें हैं और तीन मकामात दीवार के अंदर मेहराब बनी अलग से ज़ियारतगाह के तौर पर।
आम तौर पर लोग उस पर गौर नहीं करते। मस्जिद उमवी दमिश्क में जनाब खज़र वहां पर भी आए थे। वहां पर क्यों आए थे? कि जहां मासूम गए वहां मासूम की खिदमत में खज़र भी पहुंचे, और अभी खज़र मौजूद हैं इसी दुनिया के अंदर। जब तक आखिरी मासूम मौजूद है, खज़र भी मौजूद है। उनसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगर हम इस काबिल हुए कि इमाम ज़माना के लश्कर में शामिल हो सके। आइए, इस शख्सियत का तारुफ करबला के शहीदों में आज करवाना मकसूद है। ये शख्सियत बयान करने से पहले सिर्फ दो बातें आपकी खिदमत में, कि अभी अशरे सानी तमाम होने को इंशाल्लाह कल शहदाए करबला का सरकार सैयदुल शहदा का 10वां मनाया जाएगा। कल इमाम की शहादत को 10 रोज मुकम्मल हो जाए, तो आपकी शिरकत जैसे आज वैसे कल, और शिरकत भी आपकी लायक तहसीन है, और यकीनन आपकी ही मुआविनत से इस जिक्र के लिए आसानियां फराहम की जाती हैं। तो इंशाल्लाह आपसे इल्तमास है कि जब खुदा आपको अता फरमा रहा हो तो नाम हुसैन पर जो करना चाहें बारगाह के इंतजामिया के साथ, कि ताकि सिलसिले अजा जैसे यहां तक पहुंचा ऐसे इमाम जमाने तक पहुंचे इंशाल्लाह। खुदा आपके रिस्क में इतनी बरकतें अता करे कि नामे हुसैन से लेकर रोजे हुसैन तक पहुंचे। शबे जुमा है और दुआ कबूल हो गई तो आप समझते हैं कि शबे जुमा करबलाए मोहल्ला में होंगे। करबलाए मोहल्ला में शहदाए करबला में एक खास शहीद का तस्कर आज करना। ये कौन है जिनके नाम के बारे में बड़ा इश्तबा हो गया, हत्ता के हमारे एक मोतबर शायर अहले बैत ने पूरा इस पर नोहा लिख दिया उसी इश्तबा के ऊपर। असल शख्सियत का नाम है नाफिर बिन हिलाल बिन नाफिर। असल शख्सियत का नाम नाफे है, वालिद का नाम हिलाल है, और हिलाल बिन नाफे ये पूरा नाम जो है ये लश्कर यजीद के सिपाही का है। अगर आप कहें नाफे बिन हिलाल शहीद करबला, और कहें हिलाल बिन नाफे तो ये लश्कर यजीद का सिपाही था। बिल्कुल ऐसे ही मसला खड़ा हुआ दोनों शख्सियात के कबीलों के एतबार से। पढ़ूं के छोड़ दूं? थके तो नहीं है? नामों के मसाइल हैं, तो अगर ये यहां से भी बयान ना हो तो कहां से बयान होंगे? असल इसमें गिरामी नाफे है। नाफे खुदा के नामों में से एक नाम है, और नाफे निकला उर्दू के लफ्ज नफा से है, प्रॉफिट फायदा, और इसका तर्जुमा जो फायदा पहुंचाए उसे नाफे कहते हैं। और कसम ब खुदा यकीन कामिल रखिए, जब किसी को कोई मुश्किल पेश आए और नफा चाहिए हो तो नाम खुदा का नाफे ले वसीला इस नाफे को बना ले। खुदा भी नाफे और खुदा की हुज्जत का आशिक भी इस्म के एतबार से नाफे। वालिद का नाम हिलाल है, हिलाल कहते हैं बारीक चांद को। बिन
नाफे, दादा का नाम भी नाफे है। इससे आगे नहीं बढ़ता, वक्त नहीं है। दोनों कबीले अलग अलग, एक अल बजली एक अल जमली। हजरत नाफे जो शहीद करबला है, नासरे हुसैन है, वो अल जमली हैं, अल बजली नहीं है। अल बजली हिलाल बिन नाफे है, जो लश्कर यजीद का सिपाही था। बड़ा इश्तबा हुआ, हिलाल आओ तुम्हें करबला दिखाते हैं, इश्तबा है। असल नाफे है। अगर इसमें थोड़ा सा ये कर सके, बिने हिलाल तुम्हें करबला दिखाते हैं, तो इस जुमले की जरा सी नोक पलक सीधी करें तो बात पलट जाएगी। सिर्फ हिलाल कहेंगे तो बात भी और हो जाएगा, बिने हिलाल कर देंगे तो हिलाल का बेटा कौन? नाफे। ये नाफे हैं कौन? ये नाफे करबला के शहीदों में कूफी हैं। मैंने अब तक आपकी खिदमत में सारे कूफी छांट छांट के बयान किए, आलिम बयान किए, कारी बयान किए, शायर बयान किए, खतीब बयान किए। आज जो ये कूफी हैं, ये कातिब हैं, कातिबुल हदीस, यानी ये राइटर हैं, किताब लिखते हैं। और कूफा गहवारे तहजीब और तमद्दुन रहा, तफसील अलग निकल जाएगी किसी और तरफ, कि सबसे ज्यादा हदीसें लिखे जाने का हवाला मदीने से नहीं है, कूफे से है। कूफे में थे लिखने वाले, उबैदुल्ला बिन अबी राफे, ये कातिबे मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे कूफे के। हारिस आवर मौलाए कायनात के साहबी कूफी थे। आवर यानी एक आंख खराब थी, हारिस नाम था, कूफे के थे, किताब लिखते थे। हदीस की किताब लिखने वालों में असबक बिन नुबाता कूफे से थे, तुलैम बिन कैसे हिलाली थे मदीने के, रहे कूफे के अंदर, किताब लिखते थे। तो कूफा इल्म और तहजीब का मरकज है। और नाफे तो वो शहजादे हैं जिसको मौलाए कायनात ने पाला है। इसका मतलब करबला के शहादत के मौके पर नाफे की उम्र कितनी होगी? जब मौलाए कायनात 36 सने हिजरत में आए कूफे में और 40 में शहीद हो गए और 61 में वाकया पेश आया, तो 25 साल अगर अव्वले साल से इनकी तरबियत मौला ने की हो पैदाइश के बाद से, तो 25 साल का जवान नाफे, 25 साल का जवान राइटर है जी, अल्लाह हू अकबर। तो ये कूफा है, इल्म का गहवारा, कि जहां के शहीद भी कातिब हैं, कातिबुल हदीस। और जब मौला ने पाला है तो फिर तरबियत कैसी की होगी मौला ने? और जब खिदमत में आए, ये कब पहुंचे? जब पहुंचे, जब अजीबुल हैजानात के मकाम पर हुर का लश्कर इमाम को घेर के ले जा रहा था, और उन अफराद में जो 6 और 8 बयान किए गए इससे पहले इस मजलिस में, उनमें से एक ये भी थे। कहते हैं आप अकेले आए थे, आपकी फैमिली साथ थी, एक रिवायत, आपकी शादी नई नई हुई थी और आपका एक गुलाम भी आपके साथ था, गुलाम का नाम नहीं मिला। लेकिन नाफे पर लाखों सलाम हो, हमारी जाने कुर्बान, ये वही शख्स हैं कि जिनकी रिवायत बड़ी मशहूर पढ़ी जाती है शब आशूर के हवाले से। अलबत्ता पढ़ने वाले हिलाल पढ़ देते हैं, असल नाफे। इमाम अलैहिस्सलाम शब आशूर
अपने खेमे से बाहर निकले। इमाम ने तरतीब इस तरह बनाई थी कि तीन तरफ खंदक है, कि कोई तीन तरफ से इमाम के खयाम पर हमला ना कर सके। और बिल्कुल सामने की तरफ से मौला अब्बास का खेमा है कि कोई भी तीर अहले बैत के खयाम पर जाने से पहले अब्बास के खेमे पे आकर रुक जाए। उसके बाद भी इमाम अलैहिस्सलाम शब आशूर मैदान में आए हैं और जा रहे हैं जानिब मक्तल। नाफे ने इमाम को जाते हुए देख लिया। नाफे इमाम से पूछे बगैर, इमाम का ऐसा आशिक है नाफे, ऐसा इमाम का मोहिब कि बगैर पूछे चला आया तलवार नियाम से निकाले हुए। इमाम ने आहट की आवाज सुनी, फरमाया अंधेरे में कौन आता है? नाफे ने दस्ते अदब बांध के कहा, मौला मैं आपका गुलाम नाफे। इस ख्याल से आ गया कि कहीं कोई आपको देखकर अकेले में हमला ना कर दे। इमाम ने नाफे से इरशाद फरमाया, अभी वो मक्तल जो पढ़ा नहीं था हमारे यहां, नाफे ये सामने दो पहाड़ मौजूद हैं, इन दो पहाड़ों के बीच में जगह मौजूद है। मैं तुमसे कहता हूं रात का वक्त है, जाओ चले जाओ। नाफे कदमों पे गिर गए, कहने लगा मौला आपको छोड़ के चला जाऊं, क्या मुंह दिखाऊंगा रोजे महशर रसूल खुदा को, कैसे सामना करूंगा अपने पालने वाले अली इब्ने अबी तालिब को। मौला मैं आप पर अपनी जान कुर्बान कर सकता हूं, आपको छोड़ के नहीं जा सकता। ये मक्तल की रिवायत कम पढ़ी जाती है, हाँ वो मशहूर पढ़ी जाती है। नाफे से इमाम ने फरमाया, अच्छा अगर आ गए हो तो आओ हमारे साथ चलो। इमाम ने नाफे को लिया और दो कदम आगे बढ़े, फिर फरमाया नाफे देखो ये जगह वो होगी जहां कल औनो मोहम्मद की लाशें गिरेंगे और हम अपने भांजों की मैयतें उठाएंगे। दो चार कदम और आगे बढ़े, फरमाया नाफे देखो ये वो जगह होगी जहां कल मेरा कासिम घोड़ों की टापों से बमाल हो जाए। नाफे हम कासिम की लाश को समेटेंगे इसी मकाम से। दो चार कदम और आगे बढ़े, फरमाया नाफे देखो ये वो जगह होगी कि जहां मेरा 18 बरस का अली अकबर बर्ची का फल खा के गिरेगा। नाफे यहां अपने जवान की लाश को उठाने के लिए आएंगे। चौथे मकाम पर पहुंचे, फरमाया देखो नाफे ये वो जगह होगी जहां मैं 6 महीने के बच्चे का लाश अपने सीने से लगाए हुए फरियाद करूंगा। अजरकुम अल्लाह। नाफे कहते हैं इमाम और आगे बढ़े, एक ऐसे मकाम पे पहुंचे जहां नशेब का इलाका था। इमाम ने मुझसे फरमाया नाफे तुम आगे ना बढ़ना, हम अकेले आगे जाएंगे। नाफे कहते मेरा दिल परेशान हो गया, अंधेरा है, अरे कोई तीर ना मौला को नुकसान पहुंचा, इस अंधेरे में कोई मेरे मौला को पत्थर ना मार दे। अल्लाहु अकबर। हुक्म इमाम था, नाफे रुक गए, इमाम आगे बढ़े, नशेब में उतर गए। कहते हैं नाफे मुझे दिखाई तो कुछ नहीं देता था, अलबत्ता दिल ही दिल में इतना परेशान था, इमाम के लिए दुआ कर रहा था कि मेरा मौला सलामती के साथ वापिस आ जाए, वरना मैं कल क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं अपने मौला को बचा ना सका। कहते हैं नाफे मेरी मुश्किल और बढ़ गई जब किसी के बातें करने की आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई एक मौजूद नहीं है बल्कि दो लोग मौजूद हैं। नाफे कहते हैं
मैं बार बार कदम उठाता था, कैसे आगे बढ़ूं, रुक जाता था। इमाम इतनी देर में नशेब से बाहर निकल है, कहता मैं कदमों पे गिर गया, मौला मुझे दिखाई तो कोई ना दिया मगर किसी से बातें करने की आवाज आ रही। फरमाया नाफे ये वो जगह होगी जहाँ का लसरे आशूर मेरे सर को तन से जुदा किया जाएगा। नाफे ने फिर हाथ जोड़े, मौला ये तो बता दीजिए किससे बातें कर रहे थे। फरमाया नाफे मेरी दुखियारी माँ फातिमा जहरा, अरे मेरी मकाम शहादत पर वहा मोहम्मद वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, उस नाफे का वास्ता परवरदिगार, जो पलट के वापिस आए तो वो खबर पहुंचाई जनाब जैनब के जुमलात की, और सारे असाब ने मिलकर फिर इमाम के खैमे के सामने अपनी गर्दनें अपनी तलवारों के नीचे रखी। ये नाफे की वजह से हुआ था, ए खुदा उस नाफे का वास्ता। करबला में जिनके बाजू कलम किए गए ना, उन शख्सियात में नाफे भी हैं। इनके पास 80 तीर थे और ये बड़े तीर अंदाज थे। 80 अफराद को तीरों से मारा, 12 अफराद को तलवार से मारा, और जब इतना खून बहा चेहरे पर तो इतने मजबूर हुए कि दोनों बाजू कट गए थे। ऐसे में रो के कहते थे काश मेरे बाजू ना कटते। अजीब जुमला है मख्तल का, कहते हैं मख्तल के मौर्रखीन के जनाबे नाफे के कातिल का नाम शिम्र है। नाफे को शिम्र ने मारा, परवरदिगार उसका वास्ता, इसके दोनों बाजू कट गए थे। ये बाजू फैलाए हुए तेरी बारगाह में दस्तबत व मालिक तमाम की को हाजात पूरी फरमा, मुश्किलात व परेशानियां दूर फरमा। परवरदिगार वास्ता तमाम शहदाए करबला का, हम सब को शहदाए करबला के रोजे की ज्यारत नसीब फरमा, शहदाए करबला की शफात नसीब फरमा, शहदाए करबला के जवार में जन्नत में गुलामों को जगह नसीब फरमा, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, और हम सब को इमाम अलैहिस्सलाम के अदना तरीन खिदमत गुजारों में शामिल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बजाए मुहम्मद व आलिहिल मासूमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बैठे रहिएगा, ये अनाउंसमेंट करेंगे।